मैं हूँ आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरबी समाचार पर। खबर दिखेंगी सच। सड़क हादसों में प्रधान के पति और युवक की मौत। बड़ी खबर उन्नाव से। लखनऊ कानपुर हाईवे पर दही थाना व बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटनाओं में प्रधान के पति और युवक की हुई मौत। एक युवक हुआ घायल। दोनों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। हसनगंज नवींगा खेरवा की प्रधान पायल के पति कुलदीप 35 वर्षीय रविवार को अपने दोस्त कृष्ण सागर शर्मा 30 वर्षीय के साथ छोटे भाई कुलदीप की दवा लेने शहर गया था। देर रात घर लौटते समय रोडवेज वर्कशॉप मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कुलदीप की मौके पर मौत और कृष्ण सागर घायल हो गए। कृष्ण सागर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुलदीप की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पति की मौत से प्रधान पायल व दो बच्चों 8 वर्षीय बेटी आराध्या व 4 वर्षीय बेटे राजवीर का रोकर बुरा हाल है। कुलदीप के छोटे भाई संदीप फरवरी 2019 में मार्ग दुर्घटना में घायल हो गया था। उसके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है। कुलदीप भाई की दवा लेने के लिए ही घर से निकला था। वो हेलमेट लगाए था। बांगरमऊ ग्राम जमुनेहा बंगर निवासी सुरेश कुमार 37 वर्षीय कानपुर नगर के बिल्हौर निवासी विमल कटियार का ट्रैक्टर लेकर रविवार शाम अपने गांव आया था। देर रात वह किसी को बिना बताए ट्रैक्टर लेकर घर से निकला था। भोर पहर ग्राम सहबाजपुर मार्ग पर खंती में ग्रामीणों ने सुरेश का शव ट्रैक्टर के आगे के पहिए के नीचे दबा देखा। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीण घटना को संदिग्ध मान रहे हैं। सुरेश ट्रैक्टर चलाने के साथ ही मकान में शटरिंग लगाने का भी काम करता था। उसकी मौत से पत्नी उर्मिला, बेटी कलावती व मोहिनी का रोकर बुरा हाल है। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।